दोस्तों आ चुके हैं हम वेव सिनेमा देखने अवतार 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दोस्तों सुबह उठा 6:30 बजे और हमारा जो शो है वो 8:15 या फिर 8:30 बजे है। अभी आपको ये वीडियो कब तक मिलेगा पता नहीं, लेकिन आपके पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, गाड़ी पार्किंग में लगाया गया है। और अभी मैं चलता हूँ दोस्तों सिनेमा हॉल की तरफ और आपको ये भी बताऊँगा कि एडवांस बुकिंग कितने की हुई है। रात को दोस्तों मैंने आपको एक बात कही थी कि सुबह तक के आपको जो रिपोर्ट हैं वो मिलने वाले हैं 20 करोड़ से प्लस, 20 करोड़ से ज़्यादा जाएंगे। और वही दोस्तों होता हुआ दिखाई दिया अवतार पार्ट 2 की एडवांस बुकिंग। भाई साहब लिटरली गाइस जो स्पाइडरमैन नो वे होम आया था उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। और लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो 21 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। और जो फुटफॉल्स आए हैं ज़रा अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कितना, जब ब्रह्मास्त्र का 75 रुपये का टिकट हुआ था उस वक्त 10 या 11 लाख रुपए के फुटफॉल्स आए थे, तो इसने दोस्तों लगभग 7.3 लाख के फुटफॉल्स हासिल किए हैं। इतनी एडवांस बुकिंग हुई है, ऐसा क्रेज़। और जो अभी हम लोग शो देखने आए हैं सुबह 8:30 बजे का, वो भी दोस्तों हाउसफुल सा चल रहा है। अभी देखते हैं कि यार हमारे जो GD राजपाल अंकल है वो आए हैं या नहीं। हाँ भाई, ओ भाई साहब यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सुपर डुपर हिट। कौन सी? 1 किलो लगी अब सर। अरे वो सब बात छोड़ो, 9 डिग्री तापमान है दिल्ली का, ठीक है? अच्छा। और ये शर्ट में सिर्फ बचपन से, और ये देखो ये, और इसके अंदर भी 2-3 है। नहीं वैसे ये पहन लूँगा तो बीमार हो जाऊँगा, मैंने बचपन से ये भी आप पहनना चालू किया है, नहीं तो हाफ टी शर्ट और ये 12 महीने मतलब शर्ट में ही। हाँ शर्ट में, और कुछ नहीं पहनता, कुछ भी नहीं। और तापमान कितना पता है? मैं इस टाइम अगले महीने अब कश्मीर जा रहा हूँ, कोई स्वेटर नहीं कोई कुछ नहीं, यही पहन के जाऊँगा कश्मीर, और हर साल जाता हूँ। इसका क्या कहना है, इनका क्या कहना है मूवी का? बेइज्जती मत करो इस मूवी को कह के कुछ, ये सुपर डुपर हिट है। एडवांस बुक हमने रात भी पहला भाग देखा दोबारा रिपीट, वो तो मैंने भी देखा है। हाँ मज़ा आ गया। जो एडवांस बुकिंग हुई है बताऊँ कितनी की हुई है? सिर्फ एडवांस बुकिंग में 30 नहीं नहीं 21 करोड़ हो जाएगी शाम रात तक, सुबह के 28-29 कहीं नहीं गई, बाकी और 70 ऊपर भी चले जाए। 28 करोड़ तो तुम तो बेइज्जती कर रहे हो यार, 50 करोड़ के लोग प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि D1 में कमाएगी, तुम्हारा क्या कहना है? ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। अरे नहीं हो जाएगा, हो नाइट में अगर मूवी अच्छी निकली, अच्छी तो निकलेगी, वो जेम्स कैमरन है सर, मानता हूँ 14 साल के बाद आ रहा है, लेकिन 50 की ओपनिंग बहुत ज़्यादा आती है। हाँ 30-35-16 समझ आता है, पर 50 ज़्यादा हो गई। 50 करोड़ तो भैया लगाने वाली है ये बात, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा। ट्रेड पंडितों ने बोला है कि 40-45 करोड़ तो कहीं नहीं गए, क्योंकि 21 करोड़ की एडवांस बुकिंग का मतलब है कैसी भी मूवी निकलेगी डबल डिजिट से चौबल रहेगी, मतलब एडवांस बुकिंग डबल तो जाए। है कितना कमाई तुम्हारे ख्याल से वर्ल्ड में? वर्ल्ड वाइड में? हाँ वो तो 4000 करोड़ पास करेगी आराम से, कम से कम 4000 करोड़ कहीं नहीं गए इसके। 4000 करोड़ मतलब तुम्हारा $500 मिलियन? हाँ जी। इसके पिछली मूवी ने कितना किया? उसने तो भैया 18000 करोड़ कमाया था लाइफ टाइम ना, ये 4000 करेगी मतलब फर्स्ट डे में। हाँ फर्स्ट डे में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इसकी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांस है। और ये बच्चे देखने बहुत आएंगे, फैमिली इंजॉय करेगी। अब आपके सामने देखो लेडीज़ वगैरह आ रही हैं, सब इंजॉय करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कितना कमा सकती है तुम्हारे ख्याल से लाइफ टाइम में ये? 3 बिलियन कमा सकती है, मतलब उसका रिकॉर्ड टूटेगा फर्स्ट वाले पार्ट का, क्या लगता है? उससे तो डबल होनी चाहिए, उससे डबल नहीं हो पाएगा भैया, ये माहौल अलग है। हाँ वो बल्कि पब्लिक एक्शन माहौल, वो पोस्ट को, ये पोस्ट को कोविड है ना, समझ रहे हो सर? ये भी देखो IMAX के अंदर सिस्टम पूरा हाउसफुल है, इंग्लिश में नहीं है, 4DS हाउसफुल है सब हाउसफुल, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में तो अभी लोगों को पता ही नहीं है पूरा। और ठंड के वक्त भी लोग आ रहे हैं सुबह सुबह 6:00 बजे 6 बजे मैं भी अभी शेरे गया था, पर वो मूवी थोड़ी निकल गई मिराज से, तो मैं अब यहाँ आया हूँ 8 बजे मतलब रात का शो देखो 11:55 यानी आधी रात को 3:30 बजे मूवी ख़त्म होगी। ठंड उनके लिए भी है ना, और वो भी हाउसफुल है, तो मतलब फाड़ेगी मूवी है, फाड़ेगी, चलो जबरदस्त देखना चलते हैं, फिर लोगों को बताएंगे कैसी है ना। हाँ ठीक है भाई, जुड़े रहो।